होंगी उस थीम या उस सेक्टर से जो कि डिफेंसिव के तौर पर चलता था, लेकिन अब ये खुद एक स्टैंडअलोन सेक्टर बन चुका है। बात कर रही हूँ फार्मा सेक्टर की। फार्मा सेक्टर में सिप्ला के स्टॉक को लेकर आते हैं, और सिप्ला के स्टॉक में जिस तरह के मूवमेंट दिखे हैं विवेक, हेल्थ केयर, फार्मा, डायग्नोस्टिक ने जितनी मजबूती दिखाई है, सिप्ला ने उतने एक्शन के साथ कामकाज नहीं किया है। इनफैक्ट पिछले कई दिनों से हमने न्यूज़ फ्लोज देखे हैं, कुछ न्यूज़ फ्लोज पॉजिटिव रहते हैं, कुछ दिन होते हैं जब सिप्ला में एक्शन दिखता है, लेकिन अदरवाइज अब ताज़ा खबर ही देखें तो हमने देखा यूएस एफडीए ने पीथमपुर यूनिट के लिए आपत्ति जताई है, तो ये एक नेगेटिव ट्रिगर भी है। लेकिन इस स्टॉक में, क्योंकि फार्मा हेल्थ केयर तो चल रहा है, विवेक आपकी राय क्या होगी, इसकी कमजोरी को आप कैसे देखते हैं? गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए, पहले तो जो आपने शुरुआत में बोला था ना कि मार्केट चल रहा है लेकिन कुछ सेक्टर्स अभी तक नहीं चल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखो तो आपको पता चलेगा कि काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, और बहुत सेलेक्टिव स्टॉक्स के कारण ही इंडेक्स ऊपर जा रहा है। मतलब आप अगर गिनती करोगे तो मतलब 6-7 आपको कंपनीज मिलेगी जो अच्छा कर रही है। ओवरऑल मिड एंड स्मॉल कैप में अभी तक बहुत बड़ी रैली चालू नहीं हुई है, और इनफैक्ट इसी के लिए एफआई का पैसा आ रहा है। और इनफैक्ट आपके मतलब अजय, आज मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था विद कोटक एएमसी के साथ, तो वो उन्होंने भी क्लियरली कहा था कि एक फार्मा सेक्टर ऐसा हो सकता है जो यहाँ से एक डार्क हॉर्स हो, ये पॉसिबिलिटी है। देखिए, अब तक आईटी ने एक बहुत खराब प्रदर्शन दिया था और उसके बाद में फार्मा ने दिया था। फार्मा में थोड़ी बहुत रिकवरी आई है लेकिन उतनी तेजी से रिकवरी अभी तक नहीं आई है, और ईयर ऑन ईयर आप अगर देखो तो ओवरऑल सेक्टर अभी भी नेगेटिव है। तो सिप्ला इसमें एक दिग्गज स्टॉक है। इनफैक्ट वैल्यूएशन आज भी कोई इसका खराब नहीं है, इनफैक्ट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में बोलूंगा मैं, और मुझे लगता है कि इसको आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए एक स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि मार्केट ऊपर है। जब कभी अगर मार्केट गिरे तो ओवरऑल फार्मा अगर चीप है तो भी वो भी गिरेगा। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इसका टारगेट आपको 1060 से लेके 1100 आराम मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, और लॉन्गर टर्म में सिप्ला मुझे यहाँ से भी बेहतर लग रहा है। और जो ये आपने कहा था कि ऑब्जर्वेशंस यूएसएफडीए का, देखिए ऐसे ऑब्जर्वेशंस आते रहते हैं, ये बहुत कॉमन चीज हो गई है आजकल। बहुत मतलब एकदम सीवियर ऑब्जर्वेशन नहीं आए तब तक मार्केट भी बहुत सीरियसली नहीं लेता है, और जब भी यूएसएफडीए का इंस्पेक्शन होता है तो छोटा मोटा दिक्कतें आती रहती है। ये यही बात है जैसे हम लोग अभी स्टॉक ब्रोकर से अगर एक्सचेंज का इंस्पेक्शन हो या सेबी का इंस्पेक्शन हो, हम लोग कितना भी अच्छी तरह सब कुछ रखो फिर भी एक दो ऑब्जर्वेशन फिर भी आ जाएगा। तो यही सिचुएशन है आज के दिन फार्मा में, तो बहुत ये दिक्कत की बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अंडरवैल्यूड है, ये आपको डेफिनेटली एक होल्ड करके चलना चाहिए। ओके, सो फार्मा इज द न्यू बिग, और यहाँ पर जो तेजी की रफ्तार है वो फार्मा से जुड़े मेजॉरिटी प्लेयर्स में होगी। और ये बात तो सही कही आपने विवेक, के ऑब्जर्वेशंस जो है वो एक तरह से ऐसे एक ट्रिगर है जो कि ऑफकोर्स हर फार्मा कंपनी को देखनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है, और वो कोई इतना बड़ा ट्रिगर भी नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स एक न्यूज़ फ्लो ज़रूर है जिस पर नज़र होनी चाहिए। लेकिन